1 करोड़ 50 लाख। अब तक पूरी दुनिया में रोबिन शर्मा की 1 करोड़ 50 लाख बुक्स बिक चुकी है और इस बुक का नाम है 5 AM क्लब। दोस्तों, इस बुक में ये बताया गया है कि सुबह 5 बजे उठने से लाइफ में क्या चमत्कार हो सकते हैं। लेकिन रोबिन शर्मा ने इस बुक में जो बात बताई है वो तो हमारे दादा परदादा पहले से जानते थे। अरे दादा परदादा तो ठीक है, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर और थोड़ी आसान भाषा में कहूँ तो 5 AM क्लब बुक ब्रह्म मुहूर्त के बारे में है। इस वक्त आपकी जिंदगी चाहे जैसी ही कट, चाहे लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम हो या फिर रिलेशनशिप की हो, आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े कुछ फैक्ट जान ले और उसे अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है ये समझ ले। तो अब अगले 8 से 9 मिनट इस वीडियो से अपना ध्यान हटने मत देना। हमारा दिमाग चिराग से निकला हुआ जीन है, आप इसे जो भी कमांड देंगे वो उसे फॉलो करेगा और आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगेगी। लेकिन अपने दिमाग से काम करवाने के 2 रास्ते हैं, जिसमें से एक बिल्कुल आसान है और दूसरा काफी मुश्किल है। सबसे मुश्किल ये है कि आपको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम, एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर, जो भी, उन सभी चीजों के बारे में पूरे दिन सोचते रहे। एक बार ये बात तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई तो वो चीज अपने आप तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन पूरे दिन में हम काम में इतने बिजी होते हैं कि फोकस ही नहीं कर पाते और इसीलिए अक्सर हम पूरे दिन में जो सोचते हैं, जो प्लान्स बनाते हैं, वो होता ही नहीं है। अब बात करते हैं आसान रास्ते की। पूरे दिन में हमारा दिमाग कई सारे कामों में बटा हुआ होता है और इसीलिए हम एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। उसके अलावा पूरे दिन में दिमाग की जो यूनिवर्सल पावर है वो अप डाउन होती रहती है। अब आप ही सोचिए क्या होगा अगर आप अपने सारे सपने, सारे गोल्स के बारे में एक ऐसे टाइम में सोचे जब आपका दिमाग किसी दूसरे काम में इंगेज ना हो और दिमाग की यूनिवर्सल पावर भी बहुत ज्यादा हाई हो। कहने की जरूरत नहीं है, पर ऐसे टाइम में अगर आप कोई प्लान बनाते हैं तो उसके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और दोस्तों, ये टाइम पीरियड है ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, अब मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी हर वो चीज बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल कर सकते हैं। तब वीडियो का ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, ये बात आपने भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी होगी कि हमें सूरज उगने से पहले उठना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, और ये बात 110% सही है। भटका हुआ दिमाग हमारी जिंदगी की दिशा भी भटका देता है और इसीलिए कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो रात दिन मेहनत करते हैं पर उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में ही अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आपकी माइंड पावर सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे होती है। ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी सोचते हैं वो सब वाइब्रेशन के जरिए ब्रह्मांड तक पहुंचता है और फिर पूरा ब्रह्मांड आपके विजन को कल्पना से हकीकत बनाने के काम में लग जाता है। आप कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकता और इतनी जल्दी उठेंगे तो बॉडी को ठीक से रेस्ट भी नहीं मिलेगा। आप जो इस माइंड सेट के साथ जी रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जो लोग सूर्योदय के बाद उठते हैं उन्हें सूरज देवता का श्राप लगता है। रामायण में भी इस बात को बताया गया है। जब भगवान राम वनवास चले गए थे और भरत को इस बात का पता चला तो उन्होंने सीधे माता कौशल्या से जाके कहा था कि अगर भैया राम को वनवास भेजने में मेरा कोई हाथ है तो मुझे वो पाप लगे जो सूर्योदय के बाद उठने वाले व्यक्ति को लगता है। ये तो हो गई शास्त्रों की बात। अब मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो आपने 110% एक्सपीरियंस की होगी। दोस्तों, जो लोग सुबह देर से उठते हैं उन्हें गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है। वो अक्सर छोटी छोटी चीजों से इरिटेट हो जाते हैं और कई बार उनके आसपास के लोग, उनके दोस्त, उनके फैमिली मेंबर भी उन्हें कहते हैं कि यार इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो गए। तो अगर आपने भी ये चीज एक्सपीरियंस की है तो समझ लेना कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत सबसे ज्यादा है। और अगर आपकी लाइफ में कोई ड्रीम है, कोई गोल है, या फिर आप अपने किसी बहुत बड़े विजन को हकीकत बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी चलाने के लिए उसमें फ्यूल भरना जरूरी होता है। एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की हैबिट बना लेंगे तो आपको फर्क महसूस होने लगेगा। दोस्तों, आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं जिसे वात, पित्त और कफ कहा जाता है। वात का संबंध हवा से होता है, पित्त अग्नि और पानी से संबंधित होता है, और कफ पृथ्वी और पानी से जुड़ा है। इन तीनों दोष में थोड़े से भी डिसबैलेंस से हमारी बॉडी में और हमारी लाइफ में काफी चेंज आता है और इन तीनों के बढ़ने या घटने का रिलेशन सीधे सूर्योदय और सूर्यास्त से है। सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे का टाइम कफ दोष का होता है और फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे का टाइम पित्त दोष का होता है और फिर ऐसे ही दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे का टाइम वात दोष का होता है।
देखिए योग गुरु और मेडिटेशन एक्सपर्ट के हिसाब से अगर आपको ध्यान करना है और अगर आप ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए। इसके लिए सूरज उगने से 1.5 घंटे पहले का टाइम बेस्ट होता है। धर्म शास्त्रों और अष्टांग यज्ञ जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में ऐसे कुछ कार्य करने चाहिए जिसका सीधा असर हमारे मन और शरीर पे पड़ना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि सुबह उठ के आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। सबसे पहली एक्टिविटी है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपका पूरा ध्यान मांगती है और अर्ली मॉर्निंग में हर कोई सो रहा होता है, इसलिए मेडिटेशन करना आसान हो जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है विजुअलाइजेशन। आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं या फिर लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में सोचना, जैसे वो आपको मिल गया है और आप बहुत खुश हो, इसी को विजुअलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तीसरी एक्टिविटी है अपनी नॉलेज इम्पावर करना या फिर कहें कि अपना ज्ञान बढ़ाना, और इसका सबसे अच्छा रास्ता है रीडिंग या फिर बुक समरी सुनना। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हमारा दिमाग बहुत सतर्क होता है, इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं वो आसानी से याद रह जाता है। उसके बाद की एक्टिविटी है प्लानिंग, पूरे दिन की प्लानिंग। आप पूरे दिन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं उसकी प्लानिंग करो। एंड लास्ट, सुबह अपने माता पिता गुरु और भगवान को जरूर याद करो। दोस्तों आपके साथ लाइफ में कई बार ऐसा होता होगा कि आप किसी काम के लिए बहुत मेहनत करते हैं पर वो पूरा नहीं होता या एंड मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। लाइफ में सिचुएशन कैसी भी हो, अगर दिमाग शांत हो तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम से रास्ता निकाला जा सकता है और ब्रह्म मुहूर्त इसी काम में आपकी हेल्प करता है। हाँ, ये बात सही है कि सुबह जल्दी उठना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन एक बार जरा सोच के देखो, आप रात भर मोबाइल में वेब सीरीज देखते हैं या जो भी करते हैं, क्या उससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? नहीं ना। तो फिर सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करो। सिर्फ कुछ हफ्तों में ही आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इंसान चाहे और ना हो। तो आज से और अभी से ये डिसाइड कर लो कि कुछ भी हो जाए, अब से मैं ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठूंगा।